पीछे बन रहा है। एक अभियुक्त जिसके लंबे समय से तलाश थी, आफ्ताब, ये बेसिकली बासुपुर गांव है, लालगंज थाना प्रतापगढ़ का रहने वाला था, लेकिन ये वहाँ वेलोन हो चुका था। एटीएम को हेरा फेरी करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर बारी करता धंधा, और उसे कैश जो विड्रॉ करने का था ये इसका मेन काम था। इसमें ये गत वर्ष कई जगहों पर प्रकाश में आया था, वर्तमान में ये 6 मुकदमों में बनारस से, प्रतापगढ़ से, चंदौली से और अन्य जनपदों से भी जानकारी की जा रही है। ये वांछित था, 6 मुकदमों में वांछित था, इससे 25,000 रुपये का इनाम भी था। इसकी तलाश में हमारी टीम लगी हुई थी, जो आज ही गिरफ्तार हुआ है शिवपुर एसओ और उनकी टीम द्वारा। इससे पूछताछ में जानकारी मिली है कि कई मामलों में लोगों को मौके पर एटीएम से जा करके उनको बातों में फुसला करके एटीएम को उनको किसी तरह से हासिल कर लेना और फिर उन्हें टेम्पर करके, चेंज करके, पिन लगा करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये एटीएम में से लोगों के पैसे विड्रॉ किया। अब क्योंकि ये वहाँ पे जानकारी में आ चुका था, तभी कुछ दिनों से ये बड़ा लालपुर चांदमारी के पास रह करके तात्कालिक तौर पर रहने भी लगा था, लेकिन इसकी तलाश बहुत दिन से थी, मिला नहीं था। निश्चित तौर पर इसके गैंग जानकारी मिली है, उसमें कुछ मेंबर और भी हैं जिनकी इसके जानकारी के आधार पर अभी उनके भी हम फिराक में हैं, और इसके वांछित था क्योंकि 6 मामलों में गिरफ्तारी से निश्चित तौर पर इस तरह के अपराध में फर्क पड़ेगा। सर, आरोपी के पास से क्या क्या बरामद हुए हैं? इसके पास से 5 ATM मिले हैं, एक मोबाइल मिला है इसके पास से, मोबाइल, एक मोटरसाइकिल मिली है जो चोरी की है कैंट थाने की, और इसके पास एक तमंचा मिला है सुखविंदर बोर का, और ढेर सारी इससे पूछताछ के बाद जानकारी मिली है जिसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। और पीछे